दोस्तों अभी चल रहे हैं अपन कार मगर की क्लासेस के लिए। तो अभी तो लेट हो गया हूँ, लेट नहीं हो गया हूँ, पहुँच जाऊँगा और चलते हैं अभी। सॉरी है ना। तो अभी आपको दिखाता हूँ, अभी अपन चल रहे हैं कार मगा की प्रैक्टिस के लिए। ये एक फाइटिंग स्टाइल है, बेसिकली मैं फिटनेस के लिए करते रहता हूँ, जैसे जो मेरे को पहले से जानते हैं, कराटे भी मैं करता था, अभी भी करूँगा जब भी जाऊँगा। तो अभी तो ऐसे चल रही है लाइफ। अभी आपको दिखाता हूँ वहाँ कार मगा की क्लासेस के लिए कैसे जाते, और आपको दिखाता हूँ आज का दिन क्या है, टेम्परेचर क्या है, सब कुछ। ये वॉच चालू हो रही है क्योंकि रात को मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पूरे बंद कर देता हूँ, आराम से सो जाता हूँ और पूरे बंद कर देता हूँ। तो चालू नहीं किया था तो अभी चालू कर रहा हूँ। तब तक अपनी कार भी चालू कर लेते हैं। इधर आ दे, कार भी चालू हो गई, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया, अभी गाना भी चालू हो जाएगा लग रहा है। नहीं, यूएसबी ड्राइव अनलॉक है। तो आज आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ, उससे पहले वॉच चालू हो जाए तो वॉच दिखाता हूँ। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कभी बना देता हूँ, और ऊपर वाला जलवा दिखाता हूँ। तो दिन 3 तारीख है, शनिवार का दिन है, 9:13 हो रहे हैं, 9:30 को वहाँ पहुँचना है। दिन बहुत प्यारा है, तो काम करते हैं एसी बंद करते हैं और सनरूफ खोल के बढ़िया से जाते हैं। ये देखो खुल गया, पूरा ऐसे खुल गया, एसी अपना बंद कर दिए और बढ़िया से विटामिन डी लेते हुए, सूरज की रोशनी लेते हुए जाएंगे। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, और ये अपना ग्लासेस आ गया, ठीक है। ये खरीदते एक व्लॉग है, रेबेन का है, ये रेबेन का है, ठीक है। और अभी अपन चलते हैं। तो दोस्तों अभी अपन चलते हैं, यहाँ से सूरज की किरण आ रही है तो ज़ोरदार दिख रहा है ना। और अभी एक्सरसाइज का टाइम है, यू हाउल है, पहले सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। और आज सोचता हूँ ऐसे बनाता हूँ वीडियो, तो पीछे का व्यू देखो आप, अगल बगल का व्यू देखो, ठीक है। मेरी गाड़ी में अगर कोई पीछे से दूर से भी आता है तो सायरन दिखा देते हैं कि कोई आ रहा है, चाहे वो दिखे चाहे ना दिखे। तो ये वाला सेंसर भी है, ठीक है। और ये अब अपन चलते हैं भाई। एक है वो बंदा बोलते है, चलो छोड़ो रहन दो, कमेंट सेक्शन बोलते है, अरे भाई किसी की भी गाड़ी में जाके बैठ जाता है, तेरी गाड़ी है कि नहीं, एक बार अंदर चलाते हुए दिखा। तो मतलब चलो आज दिखा देते हैं। तो आज आप पीछे का व्यू देखो, अगल बगल का व्यू देखो, और मेरे को भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन बोर हो जाओगे यार मेरे को कितने देर तक देखोगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे के व्यू में स्विच कर दूँगा, ठीक है। तो आवाज़ चेंज हो गई क्योंकि सीधा वो आ रहा है, तो एक काम करते उसको बंद कर देते हैं, वरना है ना। और अभी चल रहे हैं, हाँ। यहाँ पे स्पीड लिमिट 25 और 36 में चला रहा हूँ, कम करता हूँ, बच्चे बच्चे जाते रहते हैं। अब मेरे वहाँ पे जाने के 3 रास्ते हैं, तो अभी सबसे पहला रास्ता दिखाता हूँ, बहुत प्यारा है, मेरे को बहुत सुंदर लगता है। और ये शुई 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 शुई, ये रेड लाइट है। अब आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ, ग्रीन लाइट जल चुकी है और सबसे निकलते हैं चलेंगे वहां पे। ये कॉर्पोरेट सेंटर बोलते हैं, यहाँ पे पूरे आपका निशान विशान हयात और मैक्सिमम बड़ी कंपनियों के ऑफिस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी आपको सामने और भी बिल्डिंग दिखाता हूँ, अभी तो रेड है तो ठीक है। दिन बहुत प्यारा है, आज सूरज निकला हुआ है, 44 degrees Fahrenheit है टेम्परेचर। एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, और जो लोग बोलते हैं भाई कोई पुराने वीडियो में, मतलब जो पहले के वीडियो में देख के कि भाई तू तो चलते चलते हाफ जाता है, सांस फूल जाती है, दमा तो नहीं है, तो उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि कभी मिलो तो साथ में एक्सरसाइज करें, फिर पता चलेगा किसको दमा है किसको दमा नहीं है। यहाँ पे बहुत प्यारा है, हाँ ग्रीन हो गया यार, पीछे वाला देख रहा है कि कर क्या रहा है यार।
अभी जो रास्ते से ले जा रहा हूँ वो सीधा सीधा जाना है और एक ही राइट टर्न लेना है आखिरी में, है ना। और कई रास्ते हैं, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है, 44 में चल रही है, 40 स्पीड लिमिट है, अभी 43 आ गई, 40 में ही चलाता हूँ। पीछे एक बहुत बढ़िया कार है, मेरे ख्याल से वही है क्या, आगे आएगी तो दिखाऊंगा अगर आती है। ये भी ग्रीन है, निसान की बिल्डिंग है बगल में, और स्ट्रेट लॉ है, यील्ड टू पेडेस्ट्रियन, है ना। ये एक नई बिल्डिंग बन रही है, साइड में देखो, ये अपना क्या बोलते हैं, कौन सा है भाई, एक होटल है बड़ा सा, ये हिल्टन की सीरीज है, बगल में निकल गई। मेरा कैमरा एंगल का चेंज कर पाता लेकिन चलती गाड़ी में क्या है, मैं टच नहीं करते सब चीज़ें। अभी अपने को सीधा जाना है, अब सामने देखो क्या सुंदर व्यू है, पहाड़ है, ट्रीज है, ग्रीन हो गया, ये व्यू मेरे को बहुत प्यारा लगता है। बारिश गिरती है तो चलाने में और मजा आता है, मतलब चलाने में नहीं, व्यू बहुत प्यारा दिखता है। अभी यहाँ पे बहुत बड़ा जिम खुल रहा है, बहुत बड़ा, मतलब लेफ्ट साइड में पड़ता है, यहाँ पे सब रनिंग करते रहते हैं। लिबर्टी वाली रोड आएगी, हाँ ये लिबर्टी है, यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से राइट लेके जा सकता हूँ, लेकिन अभी और सीधे जाएंगे, मर्फीज बोरो आता है वहाँ से अपन लेंगे। ये स्टॉप लाइन के पहले अपन रुक गए, सामने आपको दिख रहा होगा लाइट, लाइट रेड लाइट, आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहो, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि सर अच्छा लगा ये वीडियो, तो जैसे कमेंट आता है तो पता चलता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, तो वैसे वीडियो और बनाने में मज़ा भी आता है। और एक बंदे ने कहा कि सर वही रोड नहीं, दूसरी रोड दिखाओ, तो आज मैं इस साइड आ गया। तो ऐसे आपके जो सजेशन है वो बता दिया करो कमेंट सेक्शन में विनम्रतापूर्वक, है ना। तो जो भी पॉसिबल होगा वो अपन कर पाएंगे। ग्रीन हो गया, चलते हैं। और जैसे कई लोग को जानना होगा यहाँ की फीस कितनी है, अगर मैं जहाँ कार मंगा के जाता हूँ तो $129 पर मंथ है, है ना। तो लेकिन अनलिमिटेड है, मतलब उसमें अलग अलग ऑप्शन है, $100 का है, तो मैं सोचा कि अनलिमिटेड वाला ले लेता हूँ, है ना, झंझट नहीं रहेगा कि कितना क्या करना है, एक साथ ले लो। तो $129 फीस है, और फैसिलिटी भी है, हर टाइप की चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ऐसा है, ठीक है, स्लो कर लेते हैं। अभी आ गया, यहाँ पे अपने को मुंडा रहेगा राइट, यही है ना, मर्फीज बोर रोड, रेड है, यहाँ पे निकाल सकता हूँ कोई देख के कि कोई आ रहा है कि नहीं, बट थोड़ा सा माहौल है, दबा के निकालना पड़ेगा।
में तो नहीं हूँ। नहीं, ये टोयोटा की नहीं पता, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, मेरे को दिख नहीं पा रहा है, सन सीधा उसी के ऊपर पड़ रहा है, बगल में निशान है। और यहाँ पे आपको वो किया का, किया करके एक कंपनी है, कोरियन कंपनी है कार की, उसका बगल में शोरूम है राइट साइड में। और आपको बोर्ड दिख रहा होगा, वहाँ से जाएंगे तो नैशविल जा सकते हैं। जैसे अपने कई जगह पे, जैसे रायपुर, उदयपुर, सब में पुर लगा रहता है ना, यहाँ के सिटी में आपको दिखेगा विल, नैशविल, हंट्सविल, सब में VILLE आखिरी में दिखेगा, उसको विल करके पढ़ते हैं। और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद रहता है वो रहता है कि जो आम जनता है उसको पसंद आए, उनकी बोल चाल वाली लैंग्वेज में यूज़ करूँ। अगर मैं बोलूँगा हेलो गाइस एंड गर्ल्स, टुडे वी आर गोइंग टू विजिट, मज़ा नहीं आता ना भाई। हिंदी में जो बोल रहे हो मज़ा, वो इंग्लिश में नहीं है। आप, आपको सीख के अगर उनको नहीं आती तो उनके साथ बोलो, आपको तो हिंदी आती है तो आपके साथ तो मैं बोल सकता हूँ। हैवी है ट्रैफिक थोड़ा, गड्ढे में जाके फंसा है वहां सब। खांसी आ जाती है भाई कभी कभी। अब मेरे को लेन भी चेंज करना है, अब कर लेता हूँ, कर लिया। टू ट्रक 96 टेनिस। हाँ, मेरे को भी मुड़ना ही है, सिंगल ही टर्न दिखा। चलो कोई नहीं यार, मेरे को मुड़ना था लेकिन इतनी लंबी लाइन में कौन लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, लग जाना था यार। और अब जाके मर्ज नहीं हो सकते इसमें, बस यही है कि होना है तो स्टार्टिंग में हो जाओ, बीच में मर्ज नहीं हो सकते, हो गए तो फिर पीछे वाली कार ठोक देगी आगे। तो मैं क्या करूँगा, आगे निकल जाऊँगा और आगे जाके एक टर्न ले लूँगा। अब मैं क्या है, पहले मैं बहुत घबराता था यहाँ पे, कह रहे टर्न मिस हो गया, क्या करूँगा। फिर एक दिन मैं बोला चलो भाई हर चीज़ मिस करके देखते हैं और देखते हैं जगह पे पहुँचते हैं कि नहीं। तो पूरी चीज़ें मिस करने के बाद भी घूम फिर के राउंड लगा के सही जगह पे पहुँच गया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया अपना कि नहीं भाई पहुँचा जा सकता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी मिस हो गया लेकिन फिर भी मैं क्या किया, आ गया कि मतलब देखते हैं आगे जाके। तो अभी यहाँ से मोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं से रास्ता होना चाहिए, पहुँच जाएंगे। तो सिग्नल समझने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में वो होता है, लेकिन आप मेन लाइसेंस का टेस्ट देने के पहले आप नॉलेज टेस्ट देते हो, तो उसमें ये सब चीज़ें आपसे चेक करवाता है लैपटॉप में, मतलब कंप्यूटर में बैठा के आपसे एग्ज़ाम देना पड़ता है। 30 क्वेश्चन रहते हैं तो 6 गलती कर सकते हो, तो मैंने सिर्फ 2 ही गलती की थी, 28 मैंने करेक्ट बनाया था, है ना, तो पास हो गया था। लेकिन फिर भी क्या है, कंप्यूटर में देना अलग होता है और रियल लाइफ में चलाने में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ये पहुंच गया अपनी जगह, वो है मेरा एक्सरसाइज प्लेस। तो अभी अपन लगाते हैं गाड़ी, ये लगा दिया अपन पार्किंग में। भाई
सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अभी 4 का ग्रुप बांट दिए थे और बोल रहे थे लड़ो करके, लड़ो मतलब जो जो सिखाएं टेक्निक। 2 बार मेन पॉइंट पे लग गया, जोर से नहीं लेकिन धीरे से, और इसको बोलते सांस फूलना, सांस फूलना जो चलते चलते सांस फूलती उसको नहीं बोलते। तो ये 1.5 आवर का तगड़ा सा वर्कआउट था। वर्कआउट क्या भाई, फाइटिंग स्टाइल है और उसमें जितना रफ हो सकते हो जाओ। कराटे में तो भाई एक बार मार के हम लोग रुकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, इसमें बोलते हैं रेस्ट लोगे मतलब गए। तो भाइयों ब्रीद अंदर, लंबी लंबी ब्रीद लो, ठीक हो जाओगे। और ये मेरी कार है, अगर देखना है तो दूर से ऐसी दिखती है, ये वाली है। और अब मैं जाता हूँ घर। थैंक यू गाइस, लाइक कर देना, शेयर कर देना इस टाइप की वीडियो। किसी दिन वर्कआउट भी दिखाऊंगा मेरे भाई, वर्कआउट भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।